मुंबई से उड़ने वाली तीन फ्लाइट में सोमवार को बम की धमकी दी गई। पहली फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की है। सूचना मिलते ही विमान को दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया। विमान फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। विमान में 239 पैसेंजर सवार हैं। दूसरी फ्लाइट इंडिगो की 6C-1275 है, ये मुंबई से मस्कट जाने वाली थी। तीसरी फ्लाइट इंडिगो की 6C-56 है, ये मुंबई से जेदाह जाने वाली थी। इन दोनों विमानों को आइसोलेशन में रखकर जांच की जा रही है। सभी पैसेंजर्स को फिलहाल विमान से उतार दिया गया है। इधर मुंबई हावड़ा मेल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई, हालांकि जांच के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया। पिछले 5 दिनों में फ्लाइट में बम की धमकी का यह दूसरा मामला है। 9 अक्टूबर को भी लंदन से दिल्ली के लिए उड़ी विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK-18 बम की सूचना थी। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर्स को सूचना दी। फ्लाइट में करीब 300 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। सुरक्षा जांच के चलते पैसेंजर्स करीब 5 घंटे एयरपोर्ट पर भी फंसे रहे।